Hello everyone, this is the sixth video of the chapter Biotechnology Principle and Processes. इसके पहले वाले videos में हम लोग ने DNA fragments का separation देखा था by the method of gel electrophoresis, उनका isolation देखा था और cloning vectors के general features study किए थे. इस video में हम लोग cloning vectors को study करेंगे, जो सबसे ज़्यादा commonly used जो vectors हैं उनको. तो आइए चलिए क्लोनिंग वेक्टर्स को स्टडी करते हैं. देखिए इसमें प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेजेस ये सबसे ज़्यादा कॉमन जो वेक्टर्स हैं वो हैं प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेज. इन्हें एबिलिटी होती है कि ये रिप्लिकेट कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल्स में और ये इंडिपेंडेंट होते हैं क्रोमोजोमल डीएनए पे. दैट मीन्स होस्ट सेल का जो डीएनए है उस पर ये डिपेंड नहीं करते हैं अपने रिप्लिकेशन के लिए. इनके पास अपना ओराई होता है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिससे ये इजीली होस्ट सेल में रिप्लिकेट कर सकते हैं. बैक्टीरियोफेजेस जो हैं, बैक्टीरियोफेजेस आपको पता होगा कि ये वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं. तो बैक्टीरियोफेजेस में बिकॉज ऑफ देयर हाई कॉपी नंबर, मतलब बैक्टीरियोफेजेस का जो कॉपी नंबर है वो ज़्यादा हाई होता है अपने उनके जीनोम का विद इन द बैक्टीरियल सेल, तो उनको यूज़ किया जाता है क्योंकि ये एक सेल में अपनी कई कॉपी बना सकते हैं, मतलब एक ही सेल में ये कई बार रिप्लिकेशन कर सकते हैं. कुछ प्लाज्मिड्स जो हैं जिनमें एक या दो कॉपीज होती हैं पर सेल, और कुछ में जो हैं 15 to 100 तक कॉपीज़ या इवन इससे भी ज़्यादा कॉपीज़ हो सकती हैं, 500 तक कॉपीज़ हो सकती हैं. इफ़ यू आर एबल टू लिंक एन एलियन, अगर हम एबल हैं, अगर हम जो हमारा एलियन पीस है जो डीएनए का, दैट मीन्स जिसमें डिजायर्ड जीन है, अगर हम उसको बैक्टीरियोफेज के साथ या प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक कर सकते हैं, तो जब ये प्लाज्मिड डीएनए या बैक्टीरियोफेज होस्ट सेल में मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा. दैट मीन्स वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द, दैट मीन्स कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, मतलब जो भी प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज का कॉपी नंबर होगा उतना ही रिप्लिकेशन होगा, उतनी ही ज़्यादा कॉपी बनेगी हमारे जो डिजायर्ड जीन है, जो एलियन पीस है डीएनए का उसको. ठीक है, एलियन पीस दैट मीन्स फॉरेन डीएनए. तो आइए सबसे पहले प्लाज्मिड्स की बात करते हैं. देखो प्लाज्मिड्स होते क्या हैं, हम लोग को पता है कि एक बैक्टीरियल सेल जो है, जैसे कोई बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें उनका एक जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक है, जो उनकी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को या उसके स्पेसिफिक फीचर्स को कंट्रोल करता है. बट इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग मटेरियल भी होता है जो बैक्टीरियल सेल को एक स्पेसिफिक करेक्टर देता है, एक स्पेशल करेक्टर देता है. तो अगर हम सबसे पहले प्लाज्मिड्स की डेफिनेशन देखें तो प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रिप्लिकेटिंग, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मतलब मेन क्रोमोजोम से हटके अपने आप रिप्लिकेट करने वाला. यूजुअली ये सर्कुलर होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कैरियर में डबल स्टैंडर्ड होगा डीएनए मॉलिक्यूल, फाउंड नेचुरली इन मैनी बैक्टीरिया, मतलब ये नेचुरली बहुत से बैक्टीरिया में पाया जाता है और कुछ ईस्ट में भी होता है, ईस्ट यूकैरियोटिक सेल है उसमें भी होता है. दीज नेचुरली अकरिंग, ये जो नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड्स हैं, हैव बीन मॉडिफाइड टू सर्वाइव, ये एक तरीके से इनमें हम मॉडिफाई इनको कर सकते हैं और मॉडिफाई करके उनको एज वैक्टर अपनी लैब में यूज़ कर सकते हैं. इनका बिकॉज ऑफ देयर हाई कॉपी नंबर हम इनको या इनकी हेल्प से होस्ट सेल में अपने डीएनए को मल्टीप्लाई करा सकते हैं. तो जो फर्स्ट आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टिंग प्लाज्मिड, दस फर्स्ट जो है अर्लीस्ट प्लाज्मिड है वो है PBR322. देखो लिखा है वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लाज्मिड वेक्टर टू बी कंस्ट्रक्टेड वाज PBR322. ये राइट साइड में आपको डायग्राम है PBR322 का, प्लाज्मिड वेक्टर का. इसके कुछ फीचर्स हैं, देखते हैं. वाज वन ऑफ द फर्स्ट वाइडली यूज्ड ई कोलाई, दैट मीन्स ये जो प्लाज्मिड है PBR322 ये ई कोलाई होस्ट सेल से लिया गया है, ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर से, और इसको 1977 में क्रिएट किया गया था हर्बर्ट बोयर की लैब में एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो कि सैन फ्रांसिस्को में है. ठीक है, वहाँ पे इस वेक्टर को, इसको प्लाज्मिड को, PBR322 को क्रिएट किया गया था और इसका नाम जो है इट वाज नेम्ड आफ्टर फ्रांसिस्को बोलीवर ज़पाटा. दैट मीन्स यहाँ से ये जो ये साइंटिस्ट हैं बोलीवर, यहाँ से लिया गया जो कि पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर्स थे, और इसके बाद इनके साथ जो थे रेमंड एल रोड्रिगेज, तो यहाँ से इनको रोड्रिगेज जिनका नाम था कॉमन नेम वो लिया गया था. तो फ्रांसिस्को बोलीवर ज़पाटा से बोलीवर और रेमंड एल रोड्रिगेज से आर, तो जो बी और आर, दैट मींस ये जो इसमें बी और आर दिया गया है, पी से प्लाज्मिड,
बी से बोलीवर, आर से रोड्रिगेज और 322 कोड नंबर है, ठीक है। तो PBR 322 जो है ये इनके नेम के बेसिस पे जिन्होंने इसको क्रिएट किया था इसका नाम PBR 322 रखा गया। ये जो प्लाज्मिड PBR 322 है इसकी टोटल लेंथ जो होती है 4361 बेस पेयर, दैट मीन्स ये जो पूरा आपको ये डबल स्टैंडर्ड जो दिख रहा है सर्कुलर प्लाज्मिड, इस पूरे की लेंथ जो होगी वो 4361 बेस पेयर की होगी। इसमें क्या है, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जो आपको पिंक कलर से दिख रहे हैं, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ये लेफ्ट साइड में जो पूरा पिंक पोर्शन है, और जो राइट साइड में पिंक पोर्शन है ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। दैट मीन्स इस प्लाज्मिड में PBR 322 में जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है ये जिस होस्ट सेल में ये PBR 322 जाएगा उस होस्ट सेल को एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस देगा, ठीक है, रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो इस प्लाज्मिड PBR 322 में दो डिफरेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है। इसके अलावा रिकॉग्निशन साइट्स होती है, मतलब रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन नाम की, जैसे देखो PST1, PVU1, ECOR1, CLE1, HIND3, BAM-H1 और CEL1, ये इनका सबका लोकेशन है। जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पे PST1 और PVU1 की जो साइट है, रिकॉग्निशन साइट है, दैट मीन्स अगर हम ECOR1 से कट करें इस PBR 322 को तो ECOR1 की रेस्ट्रिक्शन साइट इस जगह पे, तो यहाँ पे वो ECOR1 रेस्ट्रिक्शन साइट PBR 322 को कट करेगा। अगर हम HIND3 से करते हैं तो वो उसके जस्ट आगे यहाँ से कट करेगा, अगर BAM-H1 से करते हैं तो वो यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। दैट मीन्स जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट जहाँ पे है वहाँ पे वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट करेगा। तो दैट मीन्स ये जो आपका PBR 322 है इसके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, इसके पास अपना ओराई है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इस पे दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, और इसमें ROP रीजन है। ROP रीजन आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा, ये रीजन है। इस ROP रीजन में वो ये ROP रीजन उन प्रोटीन्स को कोड करता है जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये PBR 322 आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड है जिसमें दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एक ओराई, ROP और बाकी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट होती है। तो ये PBR 322 है, प्लाज्मिड वेक्टर है। दूसरा जो वेक्टर है वो है बैक्टीरियोफेज। देखो बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल्स को बाय इंजेक्टिंग देयर DNA इनटू देम, अपने DNA को उसमें इंजेक्ट कर देते हैं बैक्टीरियल सेल में और उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। कंसिक्वेंटली क्या होता है, जो वायरल का DNA है, जो वायरस का DNA है, वो बैक्टीरियल सेल की मशीनरी को टेक ओवर कर लेता है और अपने ही जैसे दूसरे DNA को मल्टीप्लाई करता है, अपने दूसरे वायरल पार्टिकल को उनकी और प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना शुरू कर देता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, रिप्रोडक्शन करता है एक तरीके से। जो भी इंजेक्टेड DNA है हैंस इज सेलेक्टिवली रेप्लिकेटेड, उसको सेलेक्टिवली रिप्लिकेट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं होस्ट बैक्टीरियल सेल में। दैट मीन्स अगर हम चाहें जो भी इंजेक्टेड DNA जाना है, अगर जो भी अगर बैक्टीरियोफेज है वो अपना DNA इंसर्ट कर रहा है, अगर उसकी प्लेस पे हम अपना DNA रख दें रिजल्ट जीन, तो वो उसको इंसर्ट कर देगा और वो जाकर के वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि होस्ट सेलेक्टेड रिजल्ट इन अ नंबर ऑफ फेजेस विच इवेंचुअली एक्सट्रूड आउट द सेल। कई बार क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के कुछ समय बाद जो सेल होती है बैक्टीरियल सेल वो रप्चर कर जाती है और उससे जो भी वायरल पार्टिकल्स वो बाहर निकल आते हैं। इस पाथवे को बोलते हैं, इस रिप्रोडक्टिव पाथवे को बोलते हैं लिटिक पाथवे। और तो लिटिक पाथवे से होता क्या कि जो भी सेल या जिस वायरस ने इन्फेक्ट किया सेल को बैक्टीरियल सेल को, वो अपने कई वायरल पार्टिकल्स का मल्टीप्लिकेशन किया, प्रोडक्शन किया, देन सेल को रप्चर करके वहाँ से निकल गया और जितने पार्टिकल बने थे न्यू वायरल पार्टिकल वो दूसरी नई सेल्स को उन्होंने इन्फेक्ट किया। तो ये लिटिक पाथवे होता है। दिस एबिलिटी ऑफ ट्रांसफर DNA, अब ये जो बैक्टीरियोफेज की एबिलिटी है कि वो अपना DNA जो है वो स्पेसिफिक बैक्टीरियल होस्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वायरल इन्फेक्शन, जब वो इन्फेक्ट करता है किसी को, गेव साइंटिस्ट एन आइडिया। तो साइंटिस्ट को एक आइडिया लग गया कि अगर हम फेज को स्पेशली डिज़ाइंड करें, अगर फेज बेस्ड वैक्टर्स बना के स्पेशली डिज़ाइन करें तो ये एक यूजफुल टूल होगा जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में। दैट मीन्स जो बैक्टीरियोफेज है वो हमारे DNA को इंसर्ट करेगा जिसको हमें होस्ट सेल में इंसर्ट कराना है। तो आपने अभी जो क्लोनिंग वैक्टर पढ़े वो दो पढ़े, एक आपने पढ़ा प्लाज्मिड्स जिसमें PBR 322 का एग्जांपल देके पढ़ा, और दूसरा आपने पढ़ा बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है। अब इसके बाद
एक प्रोसेस है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। देखो होता क्या प्रॉब्लम है समझना, कि जो भी आपने आपने रिकॉम्बिनेंट डी टेक्नोलॉजी क्लिक किया, क्या आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वेक्टर डीएनए को कट किया, फिर आपने डिजायर्ड जीन को कट किया, जो भी आपको डीएनए आइसोलेट करना है उसको, अपने फ्रैगमेंट को उसको कट किया, फिर उस डिजायर्ड जीन को आपने वेक्टर डीएनए के साथ अटैच किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, फिर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उठा के आपने होस्ट सेल में इंजेक्ट करा दिया, या उसमें होस्ट सेल में वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो इंसर्ट हो गया। तो ये जो स्टेप्स चल रहे हैं, ये जो स्टेप्स हैं, ये बहुत ही मिनिमली एफिशिएंट हैं। दैट मीन्स 1% चांसेस हैं इनके एक बार में सक्सेस होने के। मतलब देखिए, वंस अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ बिन इंट्रोड्यूस, एक बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो मॉलिक्यूल बना है उसको अगर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया होस्ट सेल में, तो ये ज़रूरी है कि हम सिर्फ उन्हीं होस्ट सेल को जो है सेलेक्ट करें जिनमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए या प्लाज्मिड नहीं है उसको हम ना लें, क्योंकि उसको कल्चर करने का कोई मतलब नहीं होगा। जितने भी अभी हमने हम लोग ने पहले स्टेप्स देखे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, डीएनए लिगेज अटैच करते हैं, ये बहुत ही मिनिमली एफिशिएंट है, मतलब 1% है कि प्रॉपर पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाए। हेंस आफ्टर सच एन एक्सपेरिमेंट, तो ज़्यादातर क्या होता है कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो मेजोरिटी ऑफ सेल्स होती हैं उनमें फॉरन डीएनए नहीं पहुँचता। जैसे मान लीजिए हमने 1,000 सेल ली और उसको हमने इन्फेक्ट कराया, तो डीएनए हो सकता हो 2 सेल में, 4 सेल में, 10 सेल में, 50 सेल में, 100 में हो, बट ये बहुत मुश्किल है कि सभी की सभी जो सेल्स हैं उनमें डीएनए पहुंच जाए। तो ये जो स्टेप्स होते हैं बहुत ही मिनिमली एफिशिएंट होते हैं। अब हम उन 1,000 सेल में से हम उन सेल को या उस सेल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें हमारा जो डीएनए है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचा, या हमारा डिजायर्ड जीन जो है वो पहुंचा है। तो उसके लिए आगे बहुत सारे सिलेक्शन मेथड्स हैं, तो उनके बारे में स्टडी करेंगे। पर आइए पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखो, हाउएवर द यूज़ ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन, मतलब अगर हम सेलेक्टेबल मार्कर जीन का यूज़ करते हैं, ये मार्कर जीन वो स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो किस होस्ट सेल में डीएनए है रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो सेलेक्टेबल मार्कर जीन क्या है, जो किसी भी क्लोनिंग वेक्टर का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं, मतलब उसका एक पार्ट है, और ये सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल जो है इसको क्वाइट ईजी करते हैं। मतलब इनकी हेल्प से, सेलेक्टेबल मार्कर जीन की हेल्प से हम जो सेलेक्ट करते हैं जो सेल्स को, उसको इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं कि किन सेल में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचा है और किस में नहीं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उसको आपको याद रखना है। जनरली जो सेलेक्शन मेथड्स होते हैं आर बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन और नॉन एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रेट्स, इस बात को आप याद रखिए, क्योंकि इसी स्टेटमेंट पे ये सारे सेलेक्शन मेथड बेस्ड होंगे। बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन और नॉन एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रेट्स, ठीक है, मतलब कोई ट्रेट्स एक्सप्रेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इसके बेसिस पे पता चलता है कि किस सेल में हमारा डीएनए है और किस सेल में हमारा डीएनए नहीं है। जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है रिकॉम्बिनेंट्स को, ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट करने का, वो डिपेंड करता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की प्रेजेंस वहाँ पर ज़रूरी होती है ऑन द प्लाज्मिड और फेज बेस्ड वैक्टर्स, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल दैट द ट्रांसफॉर्म्स हैव द वैक्टर विदाउट द फॉरेन डीएनए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं जिन होस्ट सेल में को हमने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया, उनमें हो सकता हो कि हमारा डीएनए पहुंचा ही ना हो। दैट मीन्स वैक्टर तो पहुंचा बट हमारा डीएनए नहीं पहुंचा। तो इस ज़रूरी है कि इस सेल को अलग करा जा सके, मतलब एक वो सेल जिसमें ना वैक्टर डीएनए पहुंचा ना हमारे डिजायर्ड जीन पहुंचा, दूसरी वो सेल जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचा, दैट मीन्स उसमें हमारा जो जीन है मेन जीन वो भी पहुंचा है, प्लस जो वेक्टर है वो भी पहुंचा है, मतलब दोनों पहुंचे हैं, और तीसरी वो सेल होती हैं जिसमें ना तो वेक्टर पहुंचा, ना वेक्टर डीएनए पहुंचा, ना ही हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट पहुंचा। तो इन तीनों का डिफरेंशिएशन करने के लिए डिपेंड करेगा ये प्रिंसिपल पे, दैट इज प्रेजेंट प्रेजेंट ऑन द बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन और नॉन एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स, मतलब वो जीन्स एक्सप्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनके बेसिस पे आप ईजिली इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये जो सिलेक्शन मेथड्स हैं इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सिलेक्शन मेथड्स को लेकर के, और जो भी आगे पोर्शन है उसको हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें देखते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, और वीडियो समझ में आया हो, उसको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए वीडियो, और अपने ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को सभी को शेयर करिए, और जो भी आपका पूरा कॉन्सेप्ट है उसको कंटिन्यू
जो है सीरीज के साथ जुड़े रहिए, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो तब तक ले थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।